that's a big अचीवमेंट फॉर मी एंड आई एम वेरी वेरी मच पॉजिटिव दैट इससे बहुत सारी और फीमेल्स को भी इंस्पिरेशन मिलेगा. फीमेल्स क्या मेल्स को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि किसी के बोलने से किसी के जजमेंट से कुछ नहीं होता. हम वो ही हैं जो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं. तो दैट्स द मेन थिंग एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. तो दिस इज द वे आई हैव सेट एन एग्जांपल. आई थिंक चैलेंजिंग तो देखिए हर चीज़ ही होती है. एक स्टेयर्स भी नीचे उतरना चैलेंजिंग होती है, ऊपर जाना एवरीथिंग इज चैलेंज. आई थिंक इट्स ऑल इन योर माइंड बिकॉज आई एम अ माइंड ट्रांसफॉर्मेटर. सो आई बिलीव इन द माइंड स्ट्रेंथ. जब आप अपने माइंड को वैसे ट्यून कर देते हो कि हाँ मुझे करना ही है, तो फिर कोई भी चीज़ चैलेंज नहीं लगती. अगर जैसे बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो वही है. अगर आप उसको चैलेंज के जैसे लोगे तो चैलेंज तो बहुत बड़ा चैलेंज था इतने फीमेल्स के होते हुए और सब एक से एक सुंदर और एफिशिएंट. क्योंकि सिर्फ जब मिसेज इंडिया या मिसेज के पेजेंट में जाते हो तो इट्स नॉट अबाउट द आउटर ब्यूटी, दे ऑल्सो सी वॉट काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन फॉर द सोसाइटी. तो इसलिए डिफ़िकल्ट तो था, बट येस आई ऑलवेज ट्रस्ट myself, I always believe in mind power. तो मैंने ये manifest कर लिया. beauty present जीतने के बाद सबसे पहला wishes किसका आया होगा? बहुत लोगों का आया होगा, लेकिन पहला व्यक्ति कौन था जिसने आपको wish किया ये जीतने के लिए? मेरी daughters, नायशा एंड दिन्याशा, मेरी दोनों daughters हैं. और मैं तो ये बोलूँगी, ठीक है, मेरे हस्बैंड ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मैं जब यहाँ नहीं होती थी तो माई मदर यूज़ टू कम एंड स्टे विद द किड्स. बट मेरे बच्चों ने बहुत मुझे पहले तो मोटिवेट किया कि आप पार्टिसिपेट करो, और फिर वो पेशेंस उन्होंने बना के रखा कि मैं जब नहीं हूँ, मेरी एब्सेंस में वो बहुत कामली बिहेव करते थे ताकि मैं वहाँ पर पीसफुली अपना परफॉर्म कर सकूँ. तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे. The kind of love, the kind of confidence they have in me. कि आप तो कर ही लोगे मम्मा, आप तो चले ही जाओ. तो वो बच्चे जब बोलते हैं तो it's a different kind of strength you feel. You already won that many awards also in previous pageant also. How was experience that? That was a good experience. Every as I said earlier, कि आप जो भी जब भी जीतते हो हर कदम पे, जो भी आपकी, चाहे वो अवार्ड्स के फॉर्म में हो, चाहे आप कोई पेजेंट जीत रहे हो, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट लोग बहुत बात करते हैं कि सोसाइटी के लिए ऐसा करना चाहिए सोसाइटी के लिए, बट आई बिलीव दैट चैरिटी बिगिंस एट होम. अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हो, अगर आप अपने आप में कॉन्टेंट हो, तभी कुछ कर सकते हो. हम भरी हुई बॉटल से ही पानी दूसरों को पिला सकते हैं, खाली बॉटल से कुछ नहीं होता. तो इसलिए हर चीज़, जो भी मैंने आज तक जितने भी अवार्ड्स जीते या पेजेंट्स जीते, सबसे पहले वो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ एंड देन आई हैव स्प्रेडेड इन द सोसाइटी आल्सो. यू ऑलरेडी मेंशन दैट यू कम आउट फ्रॉम द हिंदी मीडियम स्कूल एंड नाउ यू डिड अ बिग पेजेंट इन द फिलीपींस. हाउ वाज एक्सपीरियंस दैट? बिकॉज़ हैव यू फेस अ प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, बैरियर प्रॉब्लम, एंड हाउ यू कम आउट दैट प्रॉब्लम? No, actually, now I hardly have a difficulty in talking in English. But you might be afraid when you come from the Hindi. There may be shyness. I'm from that Hindi. I've overcome long back when I got the runner-up in Mrs. India. So okay. That I left there in 2017. How you come that there? Because many of the coming models come from the low town area, towns area, mm-hmm. village area. They might be having a facing a problem like language barrier. Mm-hmm. We have seen many actresses also. What is your message to them? माई मैसेज टू देम इज़, मैंने जैसे अपने लिए तो आई गॉट इन टू स्परिचुअलिटी, आई गॉट इन टू NLP एंड ऑल यू नो माइंड वर्क. सो आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ माई माइंड, यू नो, स्ट्रेंथनिंग माई माइंड एंड ऑब्वियसली आई वर्क विद एनर्जीज एंड ऑल. बट तो अभी मुझे इतना कुछ उस चीज़ का इशू है नहीं. अभी मुझे लगता है कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, दैट्स माई कंट्री लैंग्वेज, आई शुड फील प्राउड. एंड ऑल थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी ऑल्सो, बिकॉज अभी वो बाहर जाके स्पीच अगर हिंदी में दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं हिंदी में बात कर सकते. एंड वाई वी शुड ट्रीट लाइक वी हैव बीन टू पैरिस अभी वेकेशन के लिए.
So all the people, I really appreciate that. Instead of knowing that all the travelers who are coming to Paris, they most of them knows English, but वो still they used to talk in French और बोलते थे हमें नहीं आती है English बोलने. अभी आप देख लो. So we as a visitor, we downloaded translators and all to understand what they are talking. तो ऐसे ही हमें इंडिया में भी ये चीज़ को बहुत फॉलो करना चाहिए. हम इंडिया में होके हम हिंदी में बात करने में बहुत शर्म फील करते हैं. मतलब दैट्स समथिंग वी शुड लुक अप टू, यू नो, वी शुड टॉक मोर इन हिंदी. लोगों को जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कोई और रास्ता ढूंढेंगे उसका. हम क्यों अपनी लैंग्वेज छोड़ के दूसरों के पीछे जाएं? जैसे कि आपने कहा कि आप कई सारे सोशल वर्क भी करते, थोड़ी सा भी सोशल वर्क के बारे में थोड़ा जानकारी बताइए. किस तरह के सोशल वर्क आप करते हैं और विमेन एम्पावरमेंट अपलिफ्टमेंट के लिए किस तरह आप काम करते हैं? सी द थिंग इज़, आई रन अ एन जी ओ विद द नेम ऑफ पंक. उसमें हम हेल्प करते हैं किड्स हु आर बॉर्न विद स्पेशल नीड्स एंड ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट. अभी उनके वहाँ पे भी हम डोनेशन, यू नो, वी कलेक्ट मनी एंड गिव इट टू द पीपल हु रिक्वायर्स इट. अभी मैंने फेब से, वो हरियाणा बेस्ड है, अभी मैंने फेब से यहाँ दिसंबर में आई हैव लॉन्च्ड अ फेसबुक ग्रुप कॉल्ड रैपिड एवोल्यूशन. उसके अंडर, उस अम्ब्रेला के अंडर आई स्टार्टेड इनिशिएटिव फ्रॉम 14th February, स्प्रेडिंग लव एंड स्माइल. तो स्प्रेडिंग लव एंड स्माइल, उसके जैसे 14th February था, तो आई वांटेड टू, यू नो, डू माय वैलेंटाइन, सेलिब्रेट माय वैलेंटाइन इन अ डिफरेंट वे. सो वी collected clothes, toys and all and distributed in the slum. So every month we do something. Like winters aa gaye, is bar winters bahut zyada hi heavy the Bombay ke hisab se, to I distributed blankets in the people who required it. Then I distributed books and all for the kids when new session started. Abhi thode din pehle hi maine, abhi monsoon hai, bahut mosquitoes problem hai, bahut sari diseases ho rahi hain, to I have distributed Odomos spray to the kids near my area. Okay, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो NGO डिसेबल बच्चों के लिए, तो आपको किस तरह के बच्चों के लिए, डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस काम करता है? क्या उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है या उनके लिए किस तरह का काम करता है? उनके लिए हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्थ केयर का भी किया जाता है, टेक केयर, और प्लस बीइंग अ NLP प्रैक्टिशनर आई वर्क ऑन देम. जिनको मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है, आई शुड वर्क, आई इंटरवीन एंड आई गो एंड पर्सनली वर्क विद देम. और उनको हम कुछ ऐसी, अभी हम ऐसी कुछ वर्कशॉप्स प्लान कर रहे हैं जिसमें उनको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल स्किल सिखाए जा सके, जिससे उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाए लोगों पे. मेरी सक्सेस का राज, मेरी सक्सेस का राज ये है कि जैसे हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, विद योर एम्प्लॉयज, विद योर, यू नो, एवरीवन, रिलेटिव्स, बट वी नेवर टॉक अबाउट रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ. सो आई ऑलवेज बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव दैट आई हैव अ स्ट्रांग रिलेशनशिप विद माई सेल्फ. दैट इज द की टू सक्सेस फॉर मी. एंड उनका मैंने बताया कि वो बहुत अपने आप को मैनेज कर लेते हैं जब मैं नहीं होती हूँ. और बिकॉज माई यंगर डॉटर इज 10 years old एंड शी इज़ लाइक वन टेल, मम्माज टेल. सो बट शी स्टिल मैनेजेज वेन आई एम नॉट अराउंड. आई हैव गॉन फॉर दीज, यू नो, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू माई सोशल वर्क और माई पेजेंट्स. So she manage herself. So they have a very important role. In fact, she was a, you know, my younger daughter was the motivation behind me participating in these pageants. Film mein karna pasand karegi ki aane wale dinon mein kya hai, aapke koi projects aa rahe hain, kuch batana chahiye? Actually mere ko itna interest hai nahi movies karne ka, but yes, if koi acha, aajkal short movies bahut chalti hai, because agar aap film ki baat kare ya serials ki baat kare, it's like a long term commitment. तो आजकल शॉर्ट फिल्म्स बहुत आ रही हैं. सो इफ़ आई विल गेट समथिंग अकॉर्डिंग टू माय दिस थिंग, सो आई विल डेफिनेटली
गो फॉर इट. जैसे कि हमने आपसे सुना कि आप बहुत ही नरेंद्र मोदी की फैन है, तो कुछ बताना चाहिए ऐसी कौन सी बात है जो नरेंद्र मोदी की आपको ज्यादा पसंद आती है? नरेंद्र मोदी की यही मुझे बात पसंद आती है कि वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते हैं. ही स्टिक्स टू हिज रूट्स, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड ही ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल कि वो चाय वाले से कहाँ पहुँच गए. सो दैट्स अ वेरी गुड इंस्पिरेशन इन इटसेल्फ. तो वही मुझे बहुत अच्छा लगता है. ही इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर, आई थिंक इफ़ यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, फॉरगेट अबाउट वॉट ही इज़ डूइंग इन द पॉलिटिक्स, बिकॉज देर आर डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल. बट ही स्टार्टेड हिज जर्नी एज अ चाय वाला एंड नाउ ही इज़ लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री. सो एवरी वन शुड गेट इंस्पायर्ड फॉर फ्रॉम हिज दैट पर्सनैलिटी. ओके, इन दिनों उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला किया था 370 आर्टिकल. आपके से हर मतलब कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेन, बेटी बचाओ, स्वच्छ अभियान, ये सारे काम कर रहे हैं, तो इनको आप कैसे देखते हैं? जल को बचाओ, सेव द वाटर, एनवायरनमेंट, आप क्या कहना चाहिए इसको सभी? मैं तो बोलूँगी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उनके. बेटी, मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा डिफर करती हूँ. वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट मैं बोलती हूँ कि बेटी की सेफ्टी का भी कुछ कराओ. बिकॉज अगर बेटी पढ़ी लिखी भी है बट इफ़ शी इज़ नॉट सेफ व्हेन शी इज़ ट्रैवलिंग आउटसाइड, देन पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. अगर हमारा बॉम्बे तो बहुत सेफ है, बट व्हेन यू गो, आई कम फ्रॉम नॉर्थ, सो इफ़ यू गो टू नॉर्थ, मैं अभी मतलब इतनी बड़ी एज होने के बाद भी समटाइम आई फील यू नो देर आर सर्टन थिंग्स विच आई फील स्केर्ड ऑफ. तो वो जो यंग गर्ल्स हैं रोड पे रहती हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है उनके लिए, और इतने सारे केसेस भी होते रहते हैं. तो वो थोड़ा सेफ्टी ऑफ द फीमेल शुड बी ऑन द प्रायोरिटी आई गेस. और आप काफ़ी मतलब एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करती है, कुछ आपके हाथों में क्या है वो थोड़ा बताइए. मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ खुद. ओके, तो थोड़ा सा हमारे भाई लोगों के तो वो तो 1-to-1 आना पड़ेगा ना. अभी सबका ग्रुप में कैसे न्यूमरोलॉजी होगा बताइए. प्रभात का बता दीजिए, प्रभात का बता दीजिए, किसी एक का बता दीजिए, प्रभात का बता दीजिए. तो डेट ऑफ बर्थ बताइए आप अपना. 15 अप्रैल 1984. जनवरी. ओके, आपका 8 है. 8 सबको पता है शनि का नंबर होता है, तो थोड़ा कोई भी काम जो आप करने चाहते हो वो डिफ़िकल्टीज आती हैं उसमें, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट बाद में हो जाता है. बट जब वो होता है तो आपका मतलब वो हो जाता है कि अब मैं इतना थक गया ये काम करके, अभी यू काइंड ऑफ डोंट लाइक इट. वो इन्जॉय नहीं कर पाते हो जो चीज़ आपने बहुत मन से कभी विश करी होती है, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट. और जिनका 8 नंबर रहता है, आई एम टेलिंग इन जनरल, हाँ, डोंट जस्ट होल्ड इट ऑन टू इट, बिकॉज आगे के नंबर्स भी वो होते हैं. इनिशियली जब ईयर्स थे मतलब आपके कॉलेज में, हो सकता है आपने स्टडी किसी चीज़ और चीज़ के लिए करी हो, बट यू गॉट इन टू अ डिफरेंट प्रोफेशन, राइट? तो एक्चुअली मैं बहुत क्लोज हूँ म्यूजिक के, बिकॉज म्यूजिक इज़ द ओनली वन एक्टिविटी विच एक्टिवेट्स ऑल द सेल्स ऑफ योर ब्रेन. सो कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री से कोई भी पर्सन जाता है जो, तो मुझे बहुत दुख होता है कि एक हमने लेजेंड खो दिया अपने आप में जो इतना अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि आजकल का म्यूजिक मेरे को थोड़ा कम समझ में आता है. सो इसलिए उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, उनके परिवार को बोलना चाहूँगी कि भगवान उनको स्ट्रेंथ दे ताकि वो इस लॉस को, और हमारी पूरी कंट्री, हमारी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ दे कि हम वो लॉस को बेयर कर सके, बिकॉज इट्स अ बिग लॉस इन इट. पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके उनको सांत्वना दी. एक मतलब बॉलीवुड को कितना मतलब पीएम हमारा प्रधानमंत्री जो टेक केयर करता है, कि कहीं भी चला जाता है हाँ उनका वही है, वो हमेशा रूट से कनेक्टेड रहते हैं एंड ही टेक केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट. लाइक जैसे इन्होंने बताया, ये भी बोल रहे थे कि इतने सारे अभियान स्टार्ट किए हैं, सो ही इज़ डूइंग
लाइक ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो बाई स्टार्टिंग फीमेल्स पे भी फोकस कर रहे हैं तो उनका दैट्स अ वेरी बिग थिंग इफ वी टेक इट अदरवाइज क्रिटिसाइज करने जाओ तो हर चीज़ में ही क्रिटिसिज्म का मिल जाता है थैंक यू सो मच